बीजेपी के रुख को देखते हुए इस बात की आशंका है कि मानसून सत्र हंगामेदार हो सकता है। सुषमा स्वराज के मुताबिक फूड सिक्योरिटी बिल और लैंड बिल में संशोधन की जरूरत है। सुषमा के मुताबिक तेलंगाना बिल का बीजेपी समर्थन करेगी। आईएएस दुर्गा मामले पर सीएम अखिलेश के तेवर तल्ख, नौकरशाही को निशाने पर लेते हुए आज अखिलेश ने साफ कर दिया है कि नोएडा की निलंबित एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि महिला आईएएस अधिकारी को खनन के मामले में निलंबित नहीं किया गया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, सरकार के साथ अधिकारियों को भी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में विवादित दीवार दुर्गा नागपाल ने नहीं गिराई थी, बल्कि उसे स्थानीय लोगों ने खुद ही गिराया था। डीएम की रिपोर्ट के मुताबिक नागपाल को अवैध निर्माण का जायजा लेकर उसे रोकने का जिम्मा सौंपा गया था। कुंडा कांड में बाहुबली राजा भैया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने सीओ हत्याकांड की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। इस रिपोर्ट में राजा भैया को दोषी नहीं ठहराया गया। क्लोजर रिपोर्ट में 5 दूसरे आरोपियों को भी क्लीन चिट मिल गई है। बिहार विधानसभा में विपक्षी पार्टियों का हंगामा और वॉकआउट। आरजेडी और बीजेपी विधायकों ने सूखाग्रस्त जिलों को लेकर हंगामे के बाद वॉकआउट किया। विपक्षी विधायकों की मांग, सरकार ने सूखाग्रस्त जिलों के चयन में लापरवाही बरती है। मशरक के मिड डे मील मामले में आरोपी हेडमिस्ट्रेस मीना देवी का पॉलीग्राफी टेस्ट छपरा में जारी। दिल्ली से गई सीएफएसएल की टीम कर रही है पॉलीग्राफी टेस्ट। अमर सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी को अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने का हुक्म दिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में वन मंत्री विक्रम उसेंडी के भाई की हत्या। सुलंगी इलाके में मिली पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुमत उसेंडे की लाश। इससे पहले भी 2 बार नक्सली उन्हें अगवा कर चुके थे। गुड़गांव में एक तरफा प्यार के चक्कर में बीबीए स्टूडेंट ने दी जान। सुसाइड नोट में लड़की और कुछ दोस्तों पर लगाया इल्जाम। जेएनयू में अपनी दोस्त की हैवानियत की शिकार हुई लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक पहली सर्जरी के बाद भी लड़की की हालत में सुधार नहीं हुआ है। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के शोभा डे के ट्वीट पर भड़की शिवसेना। शिवसैनिकों ने शोभा डे के घर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। एलओसी पार कर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों पर टूटा सेना का कहर। 3 दिन के ऑपरेशन में 4 आतंकी ढेर। केदारनाथ धाम में बुधवार को मंदाकिनी नदी में बहे एसडीएम अजय अरोड़ा का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उन्हें ढूंढने के लिए उत्तरकाशी से गौरीकुंड तक चॉपर से रेकी की गई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में उफान पर आई बेतवा नदी अपने किनारे तोड़ते हुए कई शहरों को तरबतर कर दिया है। विदिशा, कुरवाई, अशोकनगर और उदयपुर समेत कई शहरों का संपर्क कटा, यातायात प्रभावित। राजस्थान के कोटा में बाढ़ ने आफत मचाई हुई है। भारी बारिश की वजह से कोटा में सैकड़ों घरों में पानी दाखिल हो गया और लोग छतों पर पनाह लेने को मजबूर हैं। पुणे के एक परिवार को फेसबुक के जरिए 12 साल पहले खोया बेटा मिल गया है। घर से भागा हुआ ये लड़का सिख बनकर लुधियाना के पास मोगा जिले के एक गुरुद्वारे में रह रहा था। अंकुश डोमले ने फेसबुक के जरिए अपने भाई को खोजने में कामयाबी पाई। जर्मनी में भारत की राजदूत रही सुजाता सिंह ने विदेश सचिव का जिम्मा संभाला। चोकीला अय्यर और निरुपमा राव के बाद वो भारत की 3री महिला विदेश सचिव बनी है। कहा, पड़ोसियों के साथ रिश्ते बनाने पर रहेगा जोर।